आउटस्टैंडिंग क्रिकेट बाय टीम इंडिया और एक ऐसा टेस्ट मैच जो बिल्कुल डेड ड्रॉ की तरफ जा रहा था, अचानक से उसमें जान आ गई है। कानपुर टेस्ट जो अभी तक गलत कारणों से जाना जा रहा था, अब हिस्ट्री बुक्स में कानपुर टेस्ट हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि इस टेस्ट मैच में 3 ओवर में 50 रन बनाने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है। फास्टेस्ट एवर टीम 50, फिर फास्टेस्ट एवर टीम 100 सिर्फ 10.1 ओवर्स में, 18.1 ओवर्स में फास्टेस्ट एवर टीम 150, 24.1 ओवर्स में फास्टेस्ट एवर टीम 200 और 30.1 ओवर्स में फास्टेस्ट एवर 250। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इंडिया ने कितने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, फास्टेस्ट एवर। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इस तरीके के रिकॉर्ड इतनी जल्दी नहीं टूटने वाले। और ये कानपुर टेस्ट जो अभी तक मैं कहूंगा कि बीसीसीआई के लिए एक शर्म की बात थी, अब ये टेस्ट हमेशा याद किया जाएगा। और जब भी इस टेस्ट की बात होगी तो बताया जाएगा कि पता है इस टेस्ट मैच में क्या हुआ था, 2 दिन बारिश हो गई थी या 1 दिन बारिश हो गई थी और ग्राउंडमैन ने ग्राउंड सुखा नहीं पाया था, तो टीम इंडिया ने रिजल्ट लाने के लिए ऐसी परफॉर्मेंस की थी। अब ये मैटर नहीं करता कि पांचवें दिन क्या होता है, अगर पांचवें दिन बांग्लादेश किसी वजह से यह टेस्ट मैच बचा लेती है, बारिश हो जाती है, व्हाटएवर, लेकिन टीम इंडिया ने प्रूफ कर दिया कि इस वक्त उनका कॉन्फिडेंस लेवल, इस वक्त उनकी माइंडसेट कितनी पॉजिटिव है, क्योंकि ऐसा बहुत कम हो सकता है। मैं खुद जब मैच देख रहा था यही सोच रहा था कि अब इस मैच को जीतने का एक ही तरीका है, अगर बांग्लादेश को लंच और टी के बीच ऑल आउट करके इंडिया ये डिसाइड करे कि भाई हमें 40 ओवर बैटिंग करनी है, 250-300 रन बनाने हैं, और अगर डिक्लेरेशन दे दे। और उसको लेकर मेरे जो एक दो कलीग्स हैं, एक फ्रेंड्स हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है, उन्होंने कहा नहीं, वो आने वाले टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है विराट कोहली को लंबी इनिंग्स खेलने को बोले। लेकिन पहली बॉल से ही क्लियर हो गया कि टीम इंडिया क्या सोच के आई है, आते ही अग्रेसिव क्रिकेट। एंड आई रियली वुड लाइक टू से इट अगेन, मेरे नजर में जायसवाल टीम इंडिया के इस टाइम यंगस्टर्स में बेस्ट प्लेयर हैं, उन्हें हर मैच इंडिया के लिए खेलना चाहिए, हर फॉर्मेट में। शुभमन गिल में जो भी टैलेंट है, जो भी है, ही इज टेकिंग हिज ओन स्वीट टाइम टू एडजस्ट टू वर्ल्ड क्रिकेट। मैं ये नहीं कह रहा कि शुभमन गिल में टैलेंट नहीं है, लेकिन मेरे नजर में जायसवाल का जो टैलेंट है वो स्लॉग नहीं करते, उनके सारे शॉट्स प्रॉपर थे और 72 की फायरी इनिंग्स। रोहित शर्मा ने वही किया जो ओडीआई वर्ल्ड कप में कर रहे थे, आते ही चौके छक्के मारने शुरू किए, वो लंबी इनिंग्स नहीं खेली लेकिन मोमेंटम सेट कर दिया, 11 बॉलों पे 23 रन, 50 की पार्टनरशिप 3 ओवर में कर दी, एक मोमेंटम सेट कर दिया। शुभमन गिल अगेन 36 बॉल्स 39 वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन जितनी वो अटैक कर सकते हैं, इसी वजह से कई बार मुझे वो T20 के लिए फिट प्लेयर नहीं लगते फ्रेंकली स्पीकिंग। उन्होंने पार्टिसिपेट किया, अपना 36 बॉल 39 की इनिंग्स खेली। विराट कोहली अगेन अनफॉर्चुनेट थे कि 50 मिस कर गई, लेकिन टीम को जो मोमेंटम देना था, बहुत दिनों बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कोई यूजफुल इनिंग्स खेली। इट्स नॉट अ ह्यूज इनिंग्स बट आई होप ही गेन्स कॉन्फिडेंस आउट ऑफ इट। केएल राहुल ने अगेन 68 की बड़ी इनिंग्स खेली। ऋषभ पंत फ्लॉप हो गए, बट इट्स फाइन, क्योंकि इस तरीके के जब आप माइंडसेट से करते हो तो नॉट नेसेसरली एवरी बैट्समैन विल स्कोर। लेकिन इंडिया ने 35 ओवर में 289 बना के एक तरीके से आप कह सकते हो कि क्लियर कर दिया कि हम अब ड्रॉज और नेगेटिव माइंडसेट सोचते ही नहीं, हम सिर्फ जीत के लिए खेलते हैं। और बाद में उनके आप कह सकते हो डिक्लेरेशन के बाद ऑलरेडी वो 9 डाउन थे एंड देयर वाज नो पॉइंट, क्योंकि टाइम प्रेशियस था, 50+ रन्स की लीड हो गई थी, और उन्होंने कहा कि इतना इनफ है, क्योंकि एनीवेज वो लंबा खेलने जाएंगे तो मैच से टाइम निकलेगा। वो सेकंड इनिंग्स में जितना भी बांग्लादेश टोटल देती है 180-200, इंडिया विल बैक की 30 ओवर्स भी अगर इंडिया को मिल जाए तो वो 200 के आसपास का टोटल बड़े आराम से चेस कर सकता है। 2 विकेट जो ओवरनाइट मिले हैं उससे इंडिया को बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि आप जब इस तरीके की पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हो और फिर दूसरी टीम को आप 10 ओवर देते हो बैटिंग करने डे एंड में, 50+ रन्स की लीड है आपकी, जस्ट अराउंड 52 की लीड है, तो आप यही एक्सपेक्ट करते हो कि किसी तरीके से हमें 1-2 विकेट मिल जाए। और अश्विन ने शानदार बॉलिंग करके 2 विकेट ले लिए 26 पे 2। अभी भी बांग्लादेश 26 रन पीछे है, 2 विकेट डाउन है, और बांग्लादेश की जो माइंडसेट है वो काफी नेगेटिव है, वो सर्वाइवल के लिए खेल रहे हैं और बुमराह, अश्विन, जडेजा, इनके सामने सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल है। दिन की जब शुरुआत हुई तो 3 विकेट गिर चुके थे बांग्लादेश के, और बुमराह ने एक आउटस्टैंडिंग स्पेल फेंका सुबह, रन बनाना मुश्किल हो रहा था उनकी बॉलिंग पे। हालांकि फिर धीरे धीरे जब पिच से मॉइस्चर निकला तो लिटन दास और मोमिनुल हक ने थोड़े रन बनाए, मगर इवेंचुअली बुमराह वापिस आए और जल्दी से सारे विकेट्स निकाल लिए, और इंडिया
मैं कहूंगा कि बॉलिंग ने जबरदस्त कमबैक कराया इंडिया को। ठीक लंच के 1 घंटे के अंदर बांग्लादेश की टीम आउट हो गई और वहां से एक मोमेंटम मिला। बहुत सारे रिकॉर्ड बने, जडेजा ने 300 विकेट पूरे किए, विराट कोहली ने 27,000 रन पूरे किए। लेकिन अगर ये टेस्ट इंडिया जीत जाती है तो मेरे ख्याल से ये इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट, जो कह सकते हो कि ये इंडिया की बहुत बड़ी यादगार जीत होगी, जो ये लोग याद करेंगे। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।